एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज और नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर रीडिंग। देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है। गाइस, ये एक जर्नल रीडिंग होगी, तो हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना करें, ओके। और टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ये रीडिंग सभी जोडियक साइन यानी सभी राशियों के लिए होने वाली है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, ओके गाइस। जब तक हम कार्ड शफल करते हैं, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव कभी नहीं होना है, रीडिंग देखने के टाइम पर भी और रीडिंग देखने के बाद भी, ओके। और अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करके रखना है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल चैंफुल, आर्कएंजल मैटाडोन, प्लीज़ हमें गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी और नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है। ऊपर वाला सभी को जल्दी से एक कर दे, जितने भी मैरिड हैं जल्दी उनका घर वापस से बसा दे, एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे, सबके बीच में से जो गलत फहमियाँ हैं वो सब दूर हो जाए, सिंगल है उनके पार्टनर से, उनको बहुत अच्छे और बहुत जल्दी कमिटमेंट मिले शादी का और शादी हो जाए। जिनकी फैमिली शादी के लिए नहीं मान रही हैं, किसी भी रीज़न से उनकी फैमिली मान जाएँ, सभी जो बीमार हैं उनको ऊपर वाला अच्छी सेहत और लंबी उम्र दे। जिनकी भी फैमिलीज नहीं मान रही है उनको जल्दी जल्दी मान जाएं, उनकी शादी करवाएं, सभी की लाइफ में पॉजिटिविटी आए, नेगेटिविटी सभी की लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो जाए। थ्री ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ कप्स, द स्टार, नाइन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, सॉरी गाइस, गाइज आप लोग अपना मन शांत रखिएगा। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ कुछ नेगेटिव एनर्जीज फील होती हैं कभी भी, या नेगेटिव हो जाते हैं आप लोग बहुत जल्दी, तो ऊपर वाले का नाम लीजिएगा। आप जिस भी रिलीजन से हैं उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा झुकाव खींचिएगा, तब वो नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। अगर आप में से किसी को भी ऐसा फील होता है तो प्लीज़ मुझे ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि आप में से किसी को ऐसा फील हो रहा है कि नेगेटिव एनर्जीज़ का कुछ यूज़ हुआ है, या फिर आपको ऐसा महसूस होता है, हो सकता है गलतफहमी भी हो, लेकिन जो भी कोई है आप प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। ऊपर वाला सभी को खुशियाँ दें, नेगेटिविटी सभी की लाइफ से ख़त्म कर दे, और आप लोग को हेल्थ इश्यूज हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। पता नहीं ऐसा लग रहा है मुझे, प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर कमेंट में नहीं बता सकें तो प्लीज़ मुझे ईमेल पर बता दीजिएगा, मेल करके, कि आप लोग कोई नेगेटिव एनर्जी फील कर पा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल आईडी दिया हुआ है मैंने, वहाँ आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए भी कर सकते हैं। और जो मैंने अभी कहा कि कोई नेगेटिव एनर्जी फील कर रहा है तो वो मुझे बता सकता है थोड़ा सा। कोई एक कार्ड गया है शायद, सेवन ऑफ वैंड्स,
थ्री ऑफ वैंड, सेवन ऑफ वैंड, सेवन ऑफ कप्स। ठीक है, फाइव ऑफ कप्स। ओके, मैं एक और कार्ड, ये वाला का द लवर्स। चलो फाइनली कुछ बहुत अच्छा आ गया है हमारे पास, एस ऑफ कप्स। तो गाइज हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी। आई होप आप लोग को कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से। चलिए गाइज, आप दोनों के बीच में, सॉरी, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर काफ़ी ज़्यादा पुराना रिश्ता है, काफ़ी मजबूत रिश्ता था आप दोनों का, मैरिड भी हैं आप लोग। हो सकता है आप में से किसी के दो बच्चे हों या एक बच्चा हो, ठीक है। अगर तीन बच्चे हैं तो उसमें से एक बच्चे की थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं रहती है आपके, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि मेरे जो पार्टनर हैं वो बच्चों तक की केयर नहीं करते हैं, इस तरीके से हो सकता है कुछ। और अगर आप लोगों में से किसी को भी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं तो अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको गाइस कभी भी ऐसा लगता है कि आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं और आप ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं, तो सभी रिलीजन में कुछ ऐसे ऐसे किसी मतलब गंगा जल होता है, आबे जमजम होता है, ठीक है। और इस तरीके से आप ये जो पानी होता है ये पी सकते हैं और इसके छींटे अपने आप के ऊपर भी दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे, ठीक है। ओके, और आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा और बहुत पुराना रिश्ता था, और अचानक से जब टूट गया रिश्ता तो आप लोग को समझ नहीं आया कि ये अचानक से कैसे हो गया। अचानक आपके सामने ऐसी चीज़ें आई कि आपको लगा कि आपके पार्टनर के पास इतनी सारी चॉइसेस कैसे थी, आप सिंगल हैं तो। और अगर आप मैरिड हैं तो आपको ऐसा लगता था कि आपके पार्टनर बड़े सारे लोगों से बातचीत करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लर्टी नेचर के हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े, आप लोग के रिश्ते में पॉजिटिविटी आए, ठीक है। कोई ना कोई आपके पार्टनर को बहकाता रहता है आपकी तरफ से, आपके ख़िलाफ़ बहकाता रहता है, तुम इससे अच्छा या इससे अच्छी डिज़र्व करते हो या करती हो, इससे कैसे। अगर आप मैरिड हैं तो आपके इन लॉज इससे बोलते होंगे तुम्हें यही मिला था या मिली थी शादी करने के लिए, तुम्हारे मतलब जो भी बुरा भला कह सकते हैं वो सारी नेगेटिव एनर्जीज फैलाते हैं आपके दोनों के रिश्ते के अंदर। और कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे लिए ही इतना नेगेटिव क्यों, जबकि मैं दिल से या इतना ना बुरा हूँ ना बुरी हूँ, तो लोग मेरे लिए इतना बुरा कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपने अंदर कमियाँ ढूंढने की या अपने आप को टेंशन देने की इस चीज़ में ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं कोई इंसान सही रास्ते पर होता है तो उसके लिए बोलने वाले और उसके ख़िलाफ़ खड़े होने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। लोगों की बातों पे कभी ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ आपको वो करना है जिससे आपके मन को शांति मिले। रास्ता सही रखना है, किसी का मन नहीं दुखाना, किसी गलत रास्ते पर नहीं जाना है, मन भी शांत रखना है अपना, अपने आप को नेगेटिव नहीं करना है। इस वक्त मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में फील हो रहे हैं, और आज तो देखिए यहाँ मेरा कार्ड भी थोड़ा सा बर्न हो गया, ठीक है। तो आप लोग किसी नेगेटिव एनर्जी में तो प्लीज़ नेगेटिव बिल्कुल भी मत रहिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके पार्टनर को कोई कितना भी आपके ख़िलाफ़ कर ले, आने वाले टाइम में आपके पार्टनर आपके साथ ही शुरुआत करेंगे। द स्टार का कार्ड है, उन्हें ये महसूस हो जाएगा कि मैंने अपने पार्टनर के साथ गलत किया, उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कह दिया था, लेकिन अब जो पॉजिटिविटी, जो खुशी मुझे मेरे पार्टनर के साथ मिलती है, मेरा पार्टनर मेरे लिए कितने भी सेक्रीफाइस करने को तैयार होता है, वो मेरी डांट सुनता है या सुनती है, जो भी है, ठीक है। मतलब मैं दोनों तरह से बोलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं लड़की हूँ ना तो थोड़ा थोड़ा हो जाता है इधर उधर। तो आप लोग समझ जाया कीजिए कि ये सभी की एनर्जीज़ होती हैं, ठीक है, मेल फीमेल सभी देख सकते हैं इसको। तो उन्हें ये महसूस होगा, जब महसूस होगा तो आपके पास आएंगे वापस लौटकर, आपके साथ ही शुरुआत करेंगे। आपको नेगेटिव एनर्जीज में नहीं रहना, अपने आप को, आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट है आज के मुझे लग रहा है रीडिंग में, जो भी रीडिंग ये देख रहे हैं मेरी वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। जो फीमेल्स हैं या जो मेल हैं उनको ड्राइंग का या सिंगिंग का या बहुत सारी क्रिएटिविटी है उनके अंदर। आप लोग अपनी अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं,
ठीक है, ये सारी खूबियां हैं आपके आपके अंदर, तो आपके पार्टनर इन सब चीज़ों का एहसास भी करते हैं और सोचते भी हैं कि मेरे पार्टनर इतना पॉजिटिव और इतना अच्छा कैसे हो सकता है। यहाँ पर मैं कहूँ तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दिमाग वाले हैं, बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट हैं, और इस वक्त जो भी लोग उनको कह रहे हैं आपके बारे में सुन लिया उन्होंने, बहुत आपसे दूरियाँ भी बना ली, लेकिन अब आप में जो खूबियां हैं, आपको जो प्यार है, आपकी केयर है, वो आपके पार्टनर को वापस लेकर आ रही है। उनके चेहरे पे अब हल्की सी स्माइल रहती है इन लोगों के लिए जो आपके ख़िलाफ़ करते हैं कि भाई तुम कितना भी ज़्यादा कुछ भी कह लो, मुझे मेरे पार्टनर का पता है उसमें कितनी खूबियाँ हैं, वो सिर्फ सुनते जा रहे हैं अभी, या सिर्फ सुन रहे हैं गौर से, अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्शन कब लेंगे मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पर आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपका आप फैशन फील्ड से भी हो सकते हैं, आपको डिफरेंट तरीके के से तैयार होना या अच्छे कपड़े पहनना, ठीक है, या फिर अपने आप को अच्छे तरीके से तैयार करके मतलब फैशन इंडस्ट्री से, या पार्लर मतलब सैलून भी हो सकता है आपका, हेयर स्टाइलिस्ट हो सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं आप लोग, या कुछ अच्छी सी किसी ऐसी क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। उनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है, इसलिए अभी वो सुन रहे हैं सिर्फ सबकी बातें कि मेरे पार्टनर की असलियत मैं जानता हूँ, इसलिए कोई कुछ भी कहो मुझे समझ नहीं आएगी। वो स्माइल करते जा रहे हैं, सबके सुनते जा रहे हैं। अब वो ओके, हाँ, फाइव ऑफ कप्स है हमारे पास। उनको कोई कितना भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी बोलता रहे, उनका पूरा ध्यान, उनकी लाइफ में खुशियाँ भी होंगी ना गाइस, तो उनका पूरा ध्यान आपकी तरफ ही होगा, आपके साथ गुजारे गए वक्त की तरफ होगा। आपके अगर इन लॉज ने आपको बोला, आपके दो बेबी हो सकते हैं, ठीक है, या एक तो है और एक होने वाला हो सकता है, और फिर वहीं पे आपके इन लॉज ने आपको आपके साथ कुछ गलत बिहेवियर किया हो, कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है आपके साथ में, ओके। तो ये कार्ड का मतलब है कि आपके पार्टनर की लाइफ में अगर आपको ऐसा लगता है कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो बेफिक्र रहिए, वो इतने उदास हैं, पूरा ध्यान आपकी तरफ है, कितनी भी पॉजिटिव चीज़ें उनका ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा। अब आप कहेंगे मैम वो सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स डालता है, हम देखते हैं, और ना स्टेटस भी बहुत अच्छा लगाता है, हमें सुनने में आता है, तो वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, अंदर से उन्हें एहसास है कि आपकी क्या वैल्यू है उनके दिल दिमाग में। जो जो सेक्रीफाइसेस आपने किए हैं, जितना सपोर्ट आपने किया है, उतना कोई और ना तो कर सकता है ना करेगा आपके पार्टनर को, क्योंकि यहाँ पर साफ दिख रहा है कि आपके पार्टनर उदास हैं आपके बिना, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी लोग हैं आप दोनों के बीच में, जो भी लोग थे, जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे थे आपके पार्टनर को आपके खिलाफ कर रहे थे, उन लोगों का सामना करने की आपके पार्टनर में हिम्मत आएगी, क्योंकि वो बहुत सुन चुके हैं आप दोनों के खिलाफ। अब वो ये लोग जो थे ये आपके पार्टनर के खिलाफ भी कड़वा बोलने लगे हैं, इसलिए अब आपके पार्टनर को समझ आया है, वो शांति से सुन रहे हैं सारी चीज़ें, आने वाले टाइम में उन सबका सामना करने की हिम्मत आएगी आपके पार्टनर में, और स्टैंड लेंगे आपके लिए। आप देख रहे हैं इस पर्सन के हाथ में ये वैंस है, तो ये स्टैंड लेंगे आपके लिए, चुप तो बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि अब इनकी भी अति हो गई, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके साथ गुजारे हुए टाइम को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके साथ दूरियाँ बना तो ली इन्होंने, लेकिन अब इस रिश्ते को पूरे तरीके से ठीक करेंगे, कमिटमेंट भी देंगे आपको, क्योंकि प्यार भी आपसे बहुत ज़्यादा है इनको, आपके पार्टनर को। सच कहूँ तो इस वक्त आपके पार्टनर ने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कोशिश करना चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, लोगों का सामना करके। अब ये टेंशन आपको नहीं लेनी कि आपके पार्टनर किस तरीके से सामना करेंगे, किस तरीके से आपके पास आएंगे, आपको सिर्फ इन एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट करना है कि आपके पार्टनर के अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं कि आपके पार्टनर लोगों का सामना कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ा है आपके पार्टनर के दिल दिमाग में, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, इन्हीं चीज़ों को आपको मैनिफेस्ट करना है। कमिटमेंट भी यहाँ पे आपको चाहिए था, ये म्यूचुअल एनर्जी है बॉटम की, कमिटमेंट आपको चाहिए था तो कमिटमेंट मिलेगा। यहाँ आपके पार्टनर के भी इमोशंस आपके बिना ओवरफ्लो हो रहे हैं, वो आकर के आपसे बातचीत करेंगे, अपना प्यार दिखाएंगे और कहेंगे कि मैं इस रिश्ते में वर्क करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है गाइस। हम लोग एनर्जी ओरिकल डेक से भी देखेंगे, इतनी प्यारी एनर्जी की बात में और क्या कहते हैं हमें आपके पार्टनर की एनर्जी स्पिरिट, हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, तो नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है अभी हमारे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ बताइए। एंजल ऑफ बैलेंस गाइस, बैलेंस आएगा, एंजल्स बैलेंस लेकर आएंगे आपकी लव लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, हर तरह से। नंबर 48, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, नेगेटिव बिल्कुल मत होइएगा आप। स्ट्रेटजी गाइस देखिए, यहाँ पे हमारे पास नाइन ऑफ कप्स का कार्ड था,
और यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेटजीज आई हैं। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हैं नेगेटिव लोगों से कैसे दूरी बनाई जाए। हो सकता है वो नेगेटिव लोग उनके बहुत नज़दीकी हों, उनकी फैमिली भी हो, तो उनके लिए एक्शन लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा ना। उनके अपनों से ही तो दूरी बनानी रहेगी। बस हम लोग हमेशा ये प्रे करते हैं कि किसी को किसी से दूरी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। आपके इन लॉज आपके ख़िलाफ़ हैं तो वो मान जाएं, आपको और आपके पार्टनर को बहुत खुशी से रहने दें एक साथ। अगर फैमिली इशूज़ करें तो फैमिली आप दोनों की शादी के लिए बहुत जल्दी मान जाए। थर्ड पार्टी है तो वो आप दोनों के रिश्ते से दूर हो जाए, कहीं और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारे जा करके, वहाँ अपनी ज़िंदगी में खुश रहे वो। हम बुरा किसी के लिए नहीं कह सकते। डोर टू वैल्यू गाइस, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी पॉजिटिविटी आने वाली है और कुछ गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है। आपकी सारी विशेस पूरी होंगी, आपके पार्टनर आपके सारे प्रोमिसज जो भी आपके साथ किए थे वो सब पूरे करेंगे। ठीक है गाइस, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पर मेल कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल आईडी है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमेशा पॉजिटिव रहें, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। ऊपर वाला हमेशा आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बना के रखे, आपके मन को शांति दे, सुकून दे, खुशियाँ दे बहुत सारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय, टेक केयर।